उसी पे है भरोसा, उसी पे नाज करता हूं। श्री राम प्रभु को नमन करके आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनएल बागड़ी फ्रॉम अचरोल। इंग्लिश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीच में कुछ गैप हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस था मेरे साथ। परिस्थितियां ऐसी थी मेरी जिसके कारण मैं डिस्टरबेंस में रहा। तो आज फिर से शुरुआत कर रहे हैं अपने इंग्लिश एजुकेशन नेचुरल यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश लिटरेचर की हम बात कर रहे थे, जिनमें हम थर्ड ईयर सेकंड ईयर के कुछ टॉपिक कर लिए थे। आज फर्स्ट ईयर से हम शुरुआत करते हैं, बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर, उसकी शुरुआत करते हैं। उसके सिलेबस मैंने अपलोड कर दिए थे, सिलेबस मैंने अपलोड कर दिए थे यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए और दोनों पेपरों के, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के मैंने अपलोड कर रखे हैं। वहां से आप देखिए टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट पेपर की। पहली पोइम है शैल आई कंपेयर थी, शैल आई कंपेयर थी विलियम शेक्सपियर की। इंग्लिश लिटरेचर के महानतम पोइट्स में गिने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। उनके पोइम है एक सोनेट, एक प्रकार का सोनेट कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये 14 लाइनों की एक पोइम है, इस कारण इसे सोनेट कहा गया है। अब ध्यान रखना, ये बहुत ही शानदार पोइम है और बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम शैल आई कंपेयर थी की। तो कि शैल आई कंपेयर थी क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं शैल आई कंपेयर थी। ये एक सोनेट जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। क्या? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक सोनेट। इसके माध्यम से कवि अपने एक मित्र, अपने एक फ्रेंड है की सुंदरता की चर्चा करता है, उसकी सुंदरता का वर्णन करता है। ध्यान रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आगे फ्यूचर में काम आ सकती है आपके, कि जो विलियम शेक्सपियर है, ये ज्यादातर जितने भी सोनेट, जितने भी इन्होंने पोइम्स लिखी, किसी ना किसी लव स्टोरी पे लिखी गई है, एक प्रेमी और एक प्रेमिका के ऊपर लिखी गई है। तो जितनी भी इनके सोनेट और पोइम्स है वो लव स्टोरियों पे लिखी गई है, एक प्रेमिका और एक प्रेमी के ऊपर लिखा गया। तो ऐसे ही कुछ ऐसे दोस्त है इसका, उसमें अब वर्णन भी नहीं करते हैं साहब ये। क्या? अपने फ्रेंड का नाम तक का जिक्र नहीं है, बस हाँ दे रखा है कि अपने फ्रेंड के प्रति क्या है, ये समर्पित है, एड्रेसेड है। अब उस फ्रेंड का नाम उसमें डब्ल्यू एच दर्शाया गया। क्या? डब्ल्यू एच दर्शाया गया है, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच के प्रति ये सोनेट लिखा गया है। उसमें उसकी सुंदरता का क्या करता है, वर्णन करता है। क्या? कि शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे। कवि अपने आप से, कौन कवि? कौन? विलियम शेक्सपियर। कवि अपने आप से एक प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है प्रश्न? कि शैल आई कंपेयर थी, कंपेयर तुलना, क्या तुलना करना, कि क्या मैं तुलना करूं टू ए समर्स डे, गर्मी के दिन से। क्या मैं अपने फ्रेंड की सुंदरता का, फ्रेंड की ब्यूटी का क्या करूं, मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं उससे, किससे? जिस प्रकार एक गर्मी का क्या होता है, दिन होता है, इसी से वो तुलना करता है। फिर विलियम शेक्सपियर के मन में सवाल खड़ा उठता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा इसकी तुलना, क्या गर्मी के दिन से नहीं करूंगा, मेरे मित्र डब्ल्यू एच की सुंदरता का तुलना मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? उसने कारण भी दिया कि थाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। क्या? कि मेरा जो सुंदर है, वो मेरा जो फ्रेंड है डब्ल्यू एच, वो तो क्या है, बहुत ही क्या है, लवली है, बहुत ही सुंदर है, उसमें बहुत सुंदरता है, लेकिन क्या, मोर टेम्परेट, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मी। कि कवि कह रहा है कि अपने आप से प्रश्न पूछता है कि मैं क्या तुलना करूं गर्मी के दिन से अपने फ्रेंड डब्ल्यू एच की सुंदरता का। फिर कवि के मन में सवाल उठता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि
क्योंकि गर्मी तो बहुत ही क्या होती है, तेज होती है, मोर टेम्परेट, अत्यधिक तापमान होता है, गर्मी तो बहुत तीव्र होती है। इसलिए क्यों? क्योंकि मेरे मित्र की जो सुंदरता है वो बहुत ही सुंदर है, इस कारण मैं उससे तुलना नहीं करूंगा। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हाथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। कि कवि कह रहा है कि रफ विंड्स ऑफ डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, कि मई के महीने में जो खिलने वाले फूल है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, यानी मई के, देखो भारत के अंदर या कहीं भी देखो, मई के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून के महीने में। तो मई जून, मई का जो महीना है उसमें खिलने वाले जो फूल है, जो फ्लावर है, वो भी क्या इस रफ विंड से क्या हो जाते हैं, डू शेक, मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरे जो मित्र है उसकी जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो तो बहुत ही गजब की है, वो भी कहीं ना कहीं उससे क्या वो नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि गर्मी इतनी अत्यधिक पड़ रही है और गर्मी से तो मई के महीने में खिलने वाले फूल की सुंदरता भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वो फूल ही क्या खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है WH अर्ल ऑफ द साउथ टेम्पटन, वो क्या उसकी सुंदरता खत्म नहीं होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा वो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। कौन से क्वेश्चन का? इस शेल आई कंपेयर थी टू ए समर स्टे, इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, क्वेश्चन भी कर रहा है अपने आप से कि क्या मैं गर्मी की मैं तुलना करूं अपने फ्रेंड की गर्मी के एक दिन से। लेकिन वो उसका आंसर भी, उसको नकार भी रहा है, एक तो पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी, यानी उसके प्रति नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। लेकिन देखो फिर होता है कि समटाइम टू हॉट द आई ऑफ ह्यूमन शाइन्स, कि सूर्य, यहां पे आई ऑफ ह्यूमन का अर्थ होगा सन, क्या सन सूर्य से लिया गया है, कि सूर्य बहुत ही तेज चमकता है, कब, इस मई के महीने में बहुत ही तेज चमकता है, शाइन का अर्थ होगा तेज। एंड ऑफन इज टू गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और इसी प्रकार यदि वो सूर्य तेज चमकेगा तो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, अब यहां पे कॉम्प्लेक्शन का अर्थ होगा फेस, फेस से लिया गया है, चेहरा डिम्ड, धुंधला हो जाएगा, डिम्ड का अर्थ होता है धुंधला, धुंधला, डिम्ड का अर्थ धुंधला। कि समटाइम कभी कभी टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, कि कभी कभी सूर्य इतनी तेज चमकता है कि वो गर्मी क्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और इसी से हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, उसके फ्रेंड का जो चेहरा है, सुंदर चेहरा, स्वर्ण चेहरा, गोल्ड, सुनहरा चेहरा, वो क्या डिम्ड, धुंधला पड़ जाएगा। एंड एवरी फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, और वह उसके मित्र की सुंदरता को क्या कर सकता है, डिक्लाइन, नकार देता है, नष्ट कर देगा। तो इसी, देखो एक बार दोबारा देखना इसको, कि शेल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे, थो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हाथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड एंड एवरी फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। देखो दोस्तों कि सामान्य सी बात है, इसके अंदर कोई ज्यादा इतना हार्ड लैंग्वेज नहीं है, टिपिकल लैंग्वेज नहीं है सोनेट की, बिल्कुल इजी वे में है इसमें। कि शेक्सपियर का एक मित्र है WH, और उस WH की सुंदरता का वो वर्णन इस सोनेट के माध्यम से, इस पोइम के माध्यम से वो करता है, कौन, शेक्सपियर। और उसमें कहता है कि मेरे जो फ्रेंड है उसकी सुंदरता इतनी बहुत अधिक है कि वो गर्मी के दिन से उसकी तुलना करता है, लेकिन वो भी उसके मन में नकार देता है। ठीक है, नकार दिया उसने, कोई बात नहीं। फिर उसका एग्जाम्पल देता है कि जब मई के महीने में खिलने वाले फूल भी नष्ट हो जाते हैं उस गर्मी से, तो मेरे फ्रेंड की, मेरा फ्रेंड तो ऐसा नहीं है, मेरे फ्रेंड की सुंदरता तो इतनी अधिक है, स्थाई है, क्या है, स्थाई है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो अमर है, अजर है। सम टाइम टू हॉट द आईज ऑफ हेवन, और सूर्य इतनी तेज चमकता है, एंड ऑफन इज हिज गॉल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड,
और वह चेहरा क्या धुंधला पड़ जाएगा एंड एवरी फेयर सम टाइम डिक्लाइन, और उसकी पूरी सुंदरता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये इस सोनेट की 7 लाइनें थी, 7 लाइंस थी, 7 लाइंस अब मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। इससे पहले आपको इसको यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं दोबारा इसको रिपीट भी कर दूंगा यदि आपको ऐसा लगे कि सर हमारे को समझ में नहीं आया, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। और जैसा भी आपको लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए तत्पर हूं। ये इस विलियम शेक्सपियर की, अब ये ध्यान रखना बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर की पहली ही पोइम है ये, तो इसकी 7 लाइनें मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।